नमस्ते दोस्तों, कैसे आप लोग हैं। उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज वीडियो में आप सबको सिखाने जा रहा हूं कि लैपटॉप में फाइल, फोटोज, वीडियोस, डॉक्यूमेंट को कहां सेव करना चाहिए कि कभी कंप्यूटर लैपटॉप में प्रॉब्लम आए तो आपका डेटा नुकसान न हो। बहुत सारे लोग वीडियो देख रहे होंगे जिनको मालूम होगा, और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो पूरा वीडियो देखिए, आपको एक अच्छा गाइडेंस देता हूँ जिससे आपका डेटा सुरक्षित रह सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं, कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड वीडियो देखना पसंद करते हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए। जब भी कोई नया वीडियो बनाएंगे तो आपके पहुंच जाएगा। देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप है और लैपटॉप के अंदर ना हम अपने डेटा को, मतलब फाइल को, फोटो को, वीडियो को सेव करते हैं कि कभी जरूरत पड़ने पर उसको हम देख सके, किसी को देना हो देख सकते हैं। तो कहाँ सेव करते हैं ये आपको दिखाता हूँ, उसके लिए आपको लेकर चलना पड़ता है मुझे लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। चलिए दिखाता हूँ आपको मैं। तो देखिए दोस्तों, ये लैपटॉप स्क्रीन है, देख रहा ना, ये स्क्रीन है। इसमें बहुत सारा फोल्डर आपको दिख रहा है, बहुत सारा फाइल आपको दिख रहा है, फोटोज दिख रहे हैं। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अपने डेटा को ना सिंपल लाकर यही सेव कर देते हैं। जैसे ये देख लीजिए, ट्रिप नाम का एक फोल्डर है, मैंने भी कर रखा है, लेकिन ये अगर इंपॉर्टेंट फाइल आपका है तो ट्रिप नाम के फोल्डर के अंदर कुछ, देखिए फाइल रखा हुआ, मैं इसको खोल लेता हूँ। देखिए फोल्डर है, इसके अंदर कुछ फाइलें पड़ी हुई है, देख रहा हूँ ना। इसी प्रकार से कुछ फाइल यहाँ पड़ी हुई है, कुछ यहाँ पड़ी हुई है, सारी फाइलें फोल्डर पड़ा हुआ है ये। अब इस डेस्कटॉप पे मैं सेव कर रखा हूँ। जो डेस्कटॉप ये दिख रहा है आपको स्क्रीन हो रहा है, ये होता है सी ड्राइव के अंदर, समझे, सी ड्राइव के अंदर। और आपको मालूम नहीं अगर सी ड्राइव क्या होता है, बता दूं आपको मैं। जैसे ये खोल लेते हैं दिस पीसी, ये हमने इसको खोल लिया, दिस पीसी खोल लिया, और दिस पीसी खोलने के बाद में आपको दिख रहा है इसके अंदर दो ड्राइव दिख रहा है। एक दिख रहा है लोकल डिस्क सी दिख रहा है, और लोकल वॉल्यूम डी दिख रहा है। ये दो चीज है, ये जो हमने विंडो लोड करते हैं अपने लैपटॉप के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर, तो मेनली जो है विंडो लोड होता है वो लोकल डिस्क सी के अंदर लोड होता है, समझे इस बात को, लोकल डिस्क सी के अंदर होता है। और एक होता है डी ड्राइव, हो गया किसी लैपटॉप के अंदर आपके पास एक ड्राइव पड़ा होगा, किसी लैपटॉप में तीन ड्राइव दिख रहा हो, किसी में चार दिख रहा होगा, तो मेन ड्राइव आपका सी ड्राइव होता है, जान लीजिए सी ड्राइव होता है। अगर सी ड्राइव के अंदर डेटा आप सेव करते हैं तो आप रिस्क के ऊपर है, कल के डेट विंडो करप्ट हो जाता है, कल के डेट में वायरस अगर आ जाता है तो इस ड्राइव के जो डेटा पड़ा हुआ ना, वो नुकसान होने की संभावना है ये कम मिल जाता है। कभी कभी बैड सेक्टर आता है तो मेनली सी ड्राइव के अंदर आता है। इसीलिए हमेशा कहता हूँ कि जो भी आपको डेटा, फाइल, फोल्डर, वीडियो कुछ भी रखना है तो हमेशा आप दूसरे ड्राइव में रखिए। जैसे ये डी ड्राइव हो गया, यहाँ देखिए इसमें रख दीजिए आपने, ठीक है, यहाँ सेव कर दी। यहाँ पर सेव करना अगर है कोई डेटा आपको, तो ये आपने डी ड्राइव खोल दिया हुआ है, यहाँ एक कोई फोल्डर बना लीजिए सिंपल तरीके से। देखिए राइट क्लिक करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर आ जाएगा न्यू विंडो 11 लोडेड इसमें है, इस लैपटॉप के अंदर विंडो 10 होगा, विंडो 11 और विंडो 7 होगा। मेनली इसी जगह से राइट क्लिक करते हैं, न्यू पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ फोल्डर आ गया, फोल्डर आ गया, फोल्डर आ गया। इसका नाम लिख क्या रहा है, न्यू फोल्डर। इसका आप कुछ भी नाम सेव कर दीजिए, जैसे मान लीजिए मेरा नाम जोगेंद्र नाम है, मैं JOGENDR जोगेंद्र, SAHANI नाम से जोगेंद्र साहब ने फोल्डर बना दिया, एक मतलब एक जगह बना दिया। अब इसके अंदर कुछ फाइल मुझे सेव करना है, जैसे मान लीजिए कि यह मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर लेता हूँ। मिनिमाइज करने के बाद मैं ये फोटो पड़ा, ये किसी व्यक्ति का फोटो है, इसको मैं राइट क्लिक कर लेता हूँ। राइट क्लिक करने के बाद में कट कर लूंगा तो यहाँ से गायब हो जाएगा। अगर तो मैं चाहता हूँ यहाँ भी रखा रहे और मैं उस जगह रखा रहे, तो कॉपी करेंगे, कट कर लेते, मान लीजिए इसको मैंने कट कर लिया, यहाँ पे शॉर्टकट की कट कर लिया। और मैंने जो डी ड्राइव के अंदर फोल्डर बना रखा है जोगेंद्र साहनी, यहाँ वॉल्यूम डी क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखिए जोगेंद्र साहनी नाम से फोल्डर ही बना हुआ है। यहाँ पे लाकर इसको मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ, कंट्रोल वी राइट क्लिक करेंगे, अभी इसके ऊपर ये देखिए यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जो फाइल उठ के जो है ना, वो फोटो वाली फाइल जो थी वहां से उठ के यहाँ पे आ चुकी है, इसको खोलेंगे तो देखिए ये फाइल यहाँ पे आ चुका है। अब कल के डेट में बोला कि सॉफ्टवेयर खोलना, हमने इस पर क्लिक कर दिया। कल के डेट में हमारे लैपटॉप प्रॉब्लम आता है तो उसके बाद जो है ये फाइल हमको, या मतलब ये फोटो हमको मिल जाएगा, ये समझे। तो आप जो डेस्कटॉप पे जो फाइल सेव करते हैं, ये जो फाइल सेव हो रहा है ये डेस्कटॉप के ऊपर, ये सारा फाइल सेव होता है सी ड्राइव के अंदर। तो अगर आपका डेटा इंपॉर्टेंट है तो आप डेस्कटॉप पे शॉर्टकट बना सकते हैं, ना कि आप बना सकते हैं वो आप जो इसको सेव परमानेंट करिए। अब जैसे ये, अब ये मैंने एक फोल्डर बना के डी ड्राइव में किया हुआ, अब मुझे खोलने के लिए बार बार मुझे यहाँ जाना पड़ेगा, लोकल डिस्ट्री के अंदर जाना। अब देखिए क्या कर सकता हूँ, ये जोगेंद्र साहनी है, इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, मैं राइट क्लिक करता हूँ और इसको कर देता हूँ, देखिए शो मोर ऑप्शन दिया हुआ, इस पर क्लिक करके और यहाँ पे मैं करता हूँ सेंड टू डेस्कटॉप क्रिएट शॉर्टकट। अब इस पर क्लिक कर दिया मैंने, तो क्या हुआ इसका, देखिए शॉर्टकट बन गया, ये देखिए दिख रहा ना, ये देखिए ये फोल्डर अलग तरीके से बना हुआ है, और इसके देखिए एरो क्लिक क्या रहा है, और लिखा जोगेंद्र साहनी शॉर्टकट। मैं इसको खोलूंगा, ये कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा वॉल्यूम, देखिएगा ना
वॉल्यूम डी ड्राइव के अंदर जो सैनिक का फोल्डर पड़ा हुआ है, तो हम सिंपल तरीके से शॉर्टकट क्रिएट करके हम सेव कर सकते हैं डेस्कटॉप के ऊपर, लेकिन मेन फाइल कहाँ सेव करना है, डी ड्राइव में। बहुत बार ये देखा जाता है कि बहुत सारे ये जो आपका कंप्यूटर खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, उसमें सिर्फ एक ड्राइव पार्टीशन दिया रहता है, सिर्फ सी दिया रहता है। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि सी ड्राइव को दो तीन पार्ट में डिवाइड कर ले, तो मैंने सी को डी में डिवाइड कर लिया है। अगर डी के अंदर भी जाते हैं कुछ जगह स्पेस बनाने के लिए, तो एक ऑप्शन होता है बता दो आपको मैं, देखिए इसको बंद कर दीजिए। पार्टीशन क्रिएट कैसे किया जाता है, आप दिस पीसी पे क्लिक करेंगे, इस पे राइट क्लिक कर लीजिए, राइट के ऊपर क्लिक करने के बाद में शो मोर ऑप्शन आता है, यहाँ क्लिक करिए और क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ आ जाएगा मैनेज, ठीक है। इस पर हमने क्लिक किया, राइट क्लिक किया, तो यहाँ लिख क्या रहा था, हमने शो मोर पे किया, उसके बाद मैनेज आ रहा है, हम इस पे मैनेज पे क्लिक कर देते हैं। अब मैनेज पे क्लिक करने के बाद में एक नया विंडो खुल के आ जाएगा, नया विंडो खुल के आ गया, दिख रहा है ये नया विंडो खुल के आ गया। इसके अंदर एक लिया हुआ डिस्क मैनेजमेंट, दिख रहा है डिस्क मैनेज, इस पे क्लिक कर लिया, डिस्क मैनेजमेंट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए बता रहा है कि आपका एक विंडो सी है, उसके बाद डी ड्राइव है और ये है। अब चाहता हूँ डी के अंदर थोड़ा और स्पेस बना लो, उसके अंदर मैं ई ड्राइव बना दू, उसके अंदर कुछ हमको डेटा सेव करना है, तो बता ये रहा है कि देखिए 244 GB का है ये, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करने के बाद में इसमें आता है श्रिंक वॉल्यूम, नोट करिएगा श्रिंक वॉल्यूम है ये, इस पे हम क्लिक कर लेंगे। सी मैंने करके हम डी में करें, क्योंकि डी आगे अगर सी बना हुआ है आपका, सी एक ही ड्राइव है, तो सी पे कर लीजिएगा, हमारा डी है, हम डी से कुछ जगह लेना चाहते हैं, तो हमने श्रिंक वॉल्यूम में क्लिक कर दिया। श्रिंक वॉल्यूम क्लिक किया, जो बता रहा है एंटर द अमाउंट स्पेस श्रिंक, मतलब कितना आपको चाहिए स्पेस चाहिए जो कि आप ई ड्राइव बना सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मान लेता हूँ 50 GB का, ठीक है, क्योंकि इसमें 512 GB लगा हुआ है, बना दी 50 GB का, इसके बाद मैंने श्रिंक कर दिया। श्रिंक कोई डेटा डिलीट या फिर गायब नहीं होगा, एक नया आपका जो है पार्टीशन बन जाएगा। देखिए ये लोकल डिस्क में से 48 GB बन गया, इसके ऊपर राइट क्लिक कर लेते हैं हमें, उसके ऊपर न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करके यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, कोई भी डेटा डिलीट या फिर गायब नहीं होगा, आप परेशान मत होइएगा। फिर नेक्स्ट क्लिक करते हैं, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, फिर उसके नेक्स्ट करते हैं, फिर सीधे नेक्स्ट फिनिश कर देते हैं, कुछ नहीं करना। देखिए ये आपका न्यू वॉल्यूम ई ड्राइव बन के आ गया, यहाँ क्लिक करते हैं, बंद करते हैं कोने से। अब हम जो है खोलते हैं दिस वॉल्यूम दिस पीसी को, अब देखिए इसके अंदर हमारा ना तीन ड्राइव बन के आ चुका है, एक बन के आ चुका है लोकल डिस्क सी, मतलब विंडो सी पहले से था, ये था और ई नया बन चुका है, एकदम खाली होगा, इसमें कुछ नहीं है। अब देखिए कोई भी डेटा मुझे सेव करना रहेगा, तो यहाँ मैं फोल्डर बना, दोबारा बना फोल्डर, क्योंकि जो जोगिंदर साहनी नाम फोल्डर बना हुआ है वो डी ड्राइव बना हुआ है, तो यहाँ भी बनाना चाहता हूँ, तो शो मोर ऑप्शन विंडो 11 है, यहाँ क्लिक करते हैं न्यू के ऊपर, या फोल्डर पर जाते हैं, यहाँ पे मैं फिर जोगिंदर कर लेता हूँ, या MAYANK मैं कर लेता हूँ, ये सही बना दिया। अब जो भी फोल्डर में बनाऊंगा, जो फाइल रखूंगा, मैं सब यहाँ सेव करूंगा, क्लियर है। तो इसलिए फोल्डर बनाते हैं, इसलिए है कि अगर आपको कुछ डॉक्यूमेंट सेव करना है तो कर सकते हैं। देखिए मान लीजिए ट्रिप के अंदर जो फोटो ये पड़ा हुआ है, इसको कंट्रोल ए से मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी कर लेता हूँ, और ला के मैं ई ड्राइव के अंदर जो मेरा फोल्डर नया बना हुआ है मैंक नाम के, इसके अंदर क्लिक करके और यहाँ ला कर मैं कंट्रोल वी क्लिक करके या राइट क्लिक करके उसके ऊपर ला के, देखिए यहाँ पर ये पेस्ट वाला ऑप्शन शॉर्टकट दे रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे, तो हमारा जो है उठ के कॉपी वहां भी रहेगा। देखिए उठ के हमारा यहाँ पे उठ के ही आ रहा है, क्लियर है ना। तो देखिए ये तरीके से आप अपना डेटा कहीं सेफ जगह सेव कर सकते हैं, एकदम समझ चुके हैं ना, ऐसे करके पार्टीशन बना लीजिए। अगर डेस्कटॉप पे अपना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ फोटो है वीडियो है रिस्क ले सकते हैं, तो राइट क्लिक करिए यहाँ पे डेस्कटॉप के ऊपर, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है शो मोर ऑप्शन, इस पे क्लिक कर लीजिए, इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ न्यू लिख के आ रहा है, न्यू के ऊपर फोल्डर क्लिक कर लीजिए, फोल्डर करने के बाद में कुछ भी नाम डाल दीजिए, मैं डाल देता हूँ जैसे कि AJIT अजीत नाम डालिए, मैंने अजीत नाम डाल के इसको मैं क्लिक कर दिया, अब फोल्डर बन चुका मेरा। अब जो भी फाइल फोटो है वो रखना है, इजी हो जाए खोजने के लिए ना, मान लीजिए कि मेरे घर में चार लोग हैं, एक अजीत नाम का फोल्डर बन गया, एक मयंक नाम का फोल्डर बन गया, एक मानव नाम का फोल्डर बन गया, एक जोगेंद्र नाम फोल्डर बन गया, ऐसे करके जितना फोल्डर बनाना चाहते हैं, जैसे एक फोल्डर ए बना लिया मैंने, उसके बाद दोबारा क्लिक करता हूँ, उसके बाद न्यू पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मयंक नाम, MAYANK मयंक कर दिया, फिर एक फोल्डर में बना देता हूँ यहाँ पे क्लिक करके, सो मोर ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे फिर न्यू पे हम गए, न्यू पे डालने बाद में फिर हमने कर दिया अनिता, ANITA अनिता कर दिया। अब देखिए सबके ने बोल दिया कि भैया अपना अपना जो जो फाइल आप काम करते हो ना एक्सेल पे वर्ड के ऊपर, आप अजीत अजीत वाले अजीत में रखेंगे, मयंक वाले मयंक में रखेंगे, अनिता वाले अनिता रखेंगे, जोगेंद्र मैंने फोल्डर बना, जोगेंद्र बनाना मुझे फोल्डर बनाना, मैं जो काम करूंगा, सो मोर ऑप्शन क्लिक किया और राइट क्लिक किया इसके ऊपर, यहाँ पर जाकर के मैं फोल्डर क्लियर कर दिया, और यहाँ पे देखिए जोगेंद्र JOGENDR जोगेंद्र कर दिया। अब अलग अलग चार लोग हैं ऑलरेडी, जोगेंद्र नाम फोल्डर बना हुआ बता रहा है, तो इसको बता मैं क्लिक कर लेता हूँ, अब इसको कुछ नाम देना मान लीजिए JO जॉब कर देना, से मुझे शॉर्टकट देगी, इस पर क्लिक कर दिया, तो अब मैं अजीत वाले अजीत में काम करेंगे, मैंक वाले मैंक में काम करेंगे, इसमें करके ये कर सकते हैं, कोई किसी में फोल्डर ऐसे बनता है। हमारे इसको डिलीट करना है तो इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, ऐसे करके फोल्डर को आपको नहीं चाहिए, देखिए सिंपल यहाँ डिलीट ऑप्शन है विंडो 11 के, इसको डिलीट कर दिए, यहाँ से गायब हो गया, यहाँ गायब होने के बाद में रिसाइकल में पड़ा होता है, यहाँ राइट क्लिक करिए और यहाँ पे
एम्प्टी कर दी, एम्प्टी रिसाइकल बिन। तो देखिए ये अजीत वाला फोल्डर हमेशा के लिए गायब हो गया, ये देख रहा ना, ये गायब हो चुका। अब मान लीजिए जोगेंद्र वाला मुझे चेंज नाम अजीत करना है, जोगेंद्र जेओपी, इस पे क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसके ऊपर देखिए फिर हम जाएंगे सो मोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ आ रहा है रीनेम ऑप्शन, रीनेम इस पे क्लिक करेंगे, अब इसका नाम देते हैं अजीत, AJIT अजीत कर दिया। तो देखिए जो गायब हो गया इसका नाम अजीत हो चुका है, क्लियर है। तो हमेशा फोल्डर बना करके अपने फाइल को सेव करिए, चाहे वर्ड पे काम कर रहे हो, चाहे एक्सेल पे काम करो, कहीं काम करो। जैसे मान लीजिए कि अभी अजीत वाले फोल्डर मुझे जो है कोई फाइल सेव करना अजीत वाले में, तो मैं क्या करता हूँ नोटपैड खोल लेता हूँ, NOTE नोटपैड खोला, देखिए यहाँ पे नोटपैड आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं, मैं नोटपैड पे क्लिक करते हैं, हमने कुछ भी मान लीजिए टाइप कर लिया, हमने ये भी कुछ भी ऐसे करके टाइप कर लिया। अब मुझे सेव करना है इसको अजीत नाम फोल्डर के अंदर, तो हम फाइल में जाएंगे यहाँ पे और इसको सेव पे क्लिक करेंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपको जो कहाँ सेव करना है, तो हमको अजीत फोल्डर सेव करना है, तो अजीत फोल्डर कहाँ पे है, वो है डेस्कटॉप के ऊपर है, ठीक है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे, डेस्कटॉप पे अजीत नाम फोल्डर है, यहाँ क्लिक करके हमने क्लिक कर दिया, यहाँ पे देखिए इस पे क्लिक कर दिया, और उसके बाद देखिए ऐसा कुछ नाम देना चाहते हैं फाइल का, मान लीजिए AJIT2 क्लिक कर दिया, हमने इसको सेव कर दिया, सेव कर दिया, इसको बंद कर दिया, हाँ बंद कर दिया। अब खोलते हैं अजीत, देखिए ये फाइल खोलते हैं अजीत, इसके अंदर जो है हमने जो फाइल सेव किया अभी अजीत सिंह नाम से, देखिए इसके अंदर पड़ा हुआ है, एकदम समझ गया ना। तो फोल्डर बना के अब काम करेंगे तो सिंपल तरीके से चीजें होती हैं, और डेस्कटॉप पे ना सेव करके आप जो है लोकल डिस्क डी में सेव करिए, लोकल डिस्क ई में सेव करिए, लोकल डिस्क एफ में सेव करिए, सब आपका डेटा सुरक्षित रहेगा, और आप कभी विंडो करप्ट होता है, प्रॉब्लम होती है, तो फिर ये दिक्कत नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मैंने बताया कि आप सब लोगों को कैसे फोल्डर में काम करते हैं, फोल्डर में ही डेटा सेव करना चाहिए, न कि डेस्कटॉप पे, नहीं इस सी ड्राइव के इस फोल्डर के अंदर कहीं भी, देखिए जैसे ये सी ड्राइव के अंदर यहाँ खोल करके यहाँ सेव करते हैं, तो ये भी डेटा रिस्की होता है दोस्तों, यहाँ भी सेव करिए आप, है हमेशा आप DEF G में सेव कर सकते दोस्तों, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे लगता है कि आप सब लोग को अच्छा लगेगा। तो देख लिया दोस्तों, यहाँ पर अपने डॉक्यूमेंट को, अपने फाइल को, फोटो वीडियो सेव करेंगे तो अगर लैपटॉप में विंडोज की प्रॉब्लम होती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो आपके डेटा के बचने के संभावना बहुत बढ़ जाता है दोस्तों। मुझे लगता है पूरा वीडियो देखे होंगे, आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा और आप भी एक्सपर्ट हो जाए कहाँ डेटा सेव किया जाता है। वीडियो पसंद आपको आया प्लीज को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बताए आपके लिए क्या अच्छा वीडियो आ सकते हो, वीडियो शेयर कर दीजिए, दुनिया बहुत सारे लोग होते हैं ना वैसे ही टेक्निकल चीज सीखना चाहते हैं, हो सके वीडियो देखने बाद में उनको अच्छा लगे। चलिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।